हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक और मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमने अपना सिम्बा और बकरी को खाने के लिए स्टार फ्रूट का पत्ता दे दिया, लेकिन हमारा सिम्बा को स्टार फ्रूट का पत्ता पसंद नहीं है तो वह नहीं खा रहा है। और हमने इनको लेने के लिए जब खेत में गए थे तो हमको मिला एक लोकल डॉग्स का बच्चा, और हमने वहाँ आसपास जितना लोग थे उन सभी को पूछा कि ये किसका है, तो उन्होंने बताया कि उनका नहीं है। तो मैं ऐसा सीधा लेकर घर में आया और घर में आके छोड़ दिया, तो हमको पता चला ये बच्चा तो बीमार है। तो ऐसे तो हम अभी इसको छोड़ नहीं सकते, तो अभी इनको ट्रीटमेंट देना होगा। और इसीलिए यह आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा बीमारी होने पर आप लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसने पोटी कर दिया और ये पोटी दिखने में बिल्कुल सोना जैसा लग रहा है, सफ़ेद सफ़ेद, और ये बहुत ही कमज़ोर है। और इसका ट्रीटमेंट क्या करना है वो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और भाइयों, मैं जो ट्रीटमेंट आप लोगों को बताने वाला हूँ ये पूरा होम ट्रीटमेंट होगा, और ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं ओनली आपके घर में अगर दो चार डॉग्स है तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में ज़्यादा डॉग्स है तो आप इस तरह का ट्रीटमेंट ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसे भी होता है जो एक से दूसरे में फैल जाता है वायरस जैसा। तो ऐसे बीमारी पर आप डॉक्टर के पास जाइए और उसको सब कुछ बताइए कि आपका डॉग्स का क्या हुआ है, तो ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी देना है वो दे देगा। और अगर कम है तो आप घर में ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और इस बीमारी के लिए आपको लेना है गोतूकोला प्लांट्स, और करीब 4 से 5 प्लांट्स ही लेना है और अच्छी तरह से पीस लेना है, और उसके साथ आपको मिलाना है कच्चा हल्दी। एक डाग के लिए 2 चोटकी या फिर 3 चोटकी लेना है, थोड़ा पीस लेना है। और आपके पास अगर कच्चा हल्दी नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों को एक साथ मिलाकर उसी डॉग्स को खिला दीजिए। और ध्यान रहे, जो डॉग्स बीमार हुआ है उनको अलग रखना है बाकी डॉग्स से। तो भाइयों, आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।